एडसेंस अकाउंट। तो भाई अगर आपने एडसेंस अकाउंट अपना बना लिया है, इट मीन्स आपने लाइफ के जितने भी डिफिकल्ट काम होते हैं उनमें से एक काम फिनिश कर लिया है। खैर, आज हम बात करने वाले हैं एडसेंस से रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जिनको आपको ज़रूर से याद रखना चाहिए जब आप अपना एडसेंस अकाउंट बना रहे हो। और जब आप एडसेंस अकाउंट बना लेते हैं उस टाइम में काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके माइंड में घुमा करते हैं, आपको कन्फ्यूज़ किया करते हैं, तो यार उन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सो यार वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अभी से तो एक लाइक, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार जब आप अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट करते हो तो वहां पर आपसे पूछा जाता है आपका नाम, यानी कि जब आप अपना नाम फिलअप करते हो इट मींस जो एडसेंस अकाउंट है वो आपके नाम से क्रिएट हो चुका है। और जब आपका एडसेंस अकाउंट क्रिएट हो जाता है और उसके बाद में बारी आती है बैंक अकाउंट लिंक करने की, तो वहां पर हमारे माइंड में जो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि क्या हमें अपना ही बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा। इट मींस कि मेरा जो एडसेंस अकाउंट है वो मेरे नाम से है, तो क्या मुझे अपना ही बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा? क्या मैं किसी और का नहीं कर सकता? क्या मैं अपने पेरेंट्स का नहीं कर सकता, या अपने भाई का, या अपने घर में किसी का? तो इसका जो आंसर है वो ये है कि आप अपने घर में किसी का भी बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। एडसेंस अकाउंट भले आपके नाम से है, आप अगर चाहते हैं कि आपका जो अकाउंट है, जो बैंक अकाउंट है, वो किसी और का हो, घर में किसी गार्जियन का हो, तो बिल्कुल से आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा रूल नहीं है एडसेंस का कि आप ऐड ना कर सकते हो। अब चलते हैं यार दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है जो अक्सर लोगों के माइंड में आया करता है कि जब आप गवर्नमेंट आईडी प्रूफ से अपना एड्रेस वेरीफाई कर रहे होते हैं, जब आपका पिन वगैरह आ जाता है गूगल एडसेंस में और फिर बारी आती है गवर्नमेंट आईडी प्रूफ से आपके एडसेंस को वेरीफाई करने की, तो वहां पर लोगों के माइंड में क्वेश्चन उठता है कि हमें कौन सा गवर्नमेंट आईडी प्रूफ देना है। यहां पर क्या मैं अपने गार्जियन का दे सकता हूं, या फिर जिस नाम से गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, मैंने अपने नाम से क्रिएट किया हुआ है तो मुझे अपना ही गवर्नमेंट आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, या जिसका बैंक अकाउंट लिंक है उसका गवर्नमेंट आईडी प्रूफ देना पड़ेगा? तो मैं आपको इसका सिंपल सा आंसर बता देता हूं कि बैंक अकाउंट को एक बार रख दो साइड में। बैंक अकाउंट तो आप किसी का भी लगा सकते हो, उसके लिए आप फ्री हो। अब यहां पर बसती है दो चीजें कि मैं अपने पेरेंट्स का गवर्नमेंट आईडी प्रूफ दूं, या फिर मेरे नाम से अकाउंट है तो फिर मैं अपना गवर्नमेंट आईडी प्रूफ दूं। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आपको वही गवर्नमेंट आईडी प्रूफ देनी है जिस नाम से आपका एडसेंस अकाउंट है। मतलब जिसका भी एडसेंस अकाउंट होगा, अगर आपके गार्जियन का एडसेंस अकाउंट है तो आपको अपने गार्जियन का आईडी प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड जो भी है। और अगर आपके नाम से एडसेंस अकाउंट है तो फिर आपको अपना ही गवर्नमेंट आईडी प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा, ये मस्ट। अब चलते हैं यार तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा जो क्वेश्चन है वो भी काफी ज्यादा हाईलाइटेड है, लोगों के माइंड में अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि अगर आपकी एज 18 साल नहीं है तो क्या आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या आप अपना एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं या फिर नहीं? तो इसका जो आंसर है वो ये है कि आप अपना एडसेंस अकाउंट 18 साल से कम के हैं तो नहीं बना सकते। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, आप इसको नोट कर लीजिए अपने माइंड में कि अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो फिर आप अपना एडसेंस अकाउंट नहीं बना सकते। इस केस में आप अपने गार्जियन का एडसेंस अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब पर काम करना ही है तो आप अपने गार्जियन के नाम से अपना एडसेंस अकाउंट बना लीजिए, उसके बाद में आप फ्रीली काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब यार बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है क्योंकि इस पॉइंट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि आपका जो गूगल एडसेंस का पिन है वो आप तक नहीं पहुँच पाता है। उसके पीछे के क्या रीजंस होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और आपको क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला रीज़न होता है कि आपसे पोस्टमैन कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता है। अब क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि गूगल एडसेंस का फॉर्म जब आप फिलअप करते हो तो वहाँ पर गूगल एडसेंस के फॉर्म में आपसे आपका नंबर तो मांगा जाता है, लेकिन वहाँ पर वो नंबर प्रिंट आउट नहीं होता है आपके गूगल एडसेंस के लेटर में, जिससे पोस्टमैन आपसे इजीली कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता है और आप तक गूगल एडसेंस का पिन नहीं पहुँच पाता है। अब आपको प्रिंट आउट करवाने के लिए वो नंबर क्या करना पड़ेगा? आपको आपके एड्रेस के आगे अपना नंबर ज़रूर से लिखना पड़ेगा। अगर आप अपने एड्रेस के आगे अपना नंबर लिख देते हो तो वहाँ पर जो आपका नंबर है वो इजीली प्रिंट आउट हो जाएगा आपके गूगल एडसेंस के लेटर में, और पोस्टमैन इजीली कॉन्टैक्ट कर पाएगा आपके मोबाइल नंबर के जरिए। दूसरे केस में क्या होता है कि हमारा घर बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड में होता है, थोड़ा विलेज वाले एरिया में होता है, तो वहाँ पर गूगल एडसेंस की कोई गलती होती है या फिर पोस्टमैन की कोई गलती होती है, लेकिन हम तक गूगल एडसेंस का लेटर नहीं पहुँच पाता है। अब उस केस में आपके पास में क्या ऑप्शंस हैं? आपके पास में तीन ऑप्शंस रहते हैं, अपने गूगल एडसेंस अकाउंट में जाकर चेक करिएगा। आप तीन बार रीअप्लाई कर सकते हैं अपने गूगल एडसेंस पिन के लिए। जब आप
एक बार में नहीं पहुंचता है तो दूसरी बार अप्लाई करिए, दूसरी बार में नहीं पहुंचता है तो आप तीसरी बार अप्लाई करिए। अगर तीसरी बार में भी नहीं पहुंचता है, मान लीजिए मेरी किस्मत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मुझ तक गूगल एडसेंस का पिन पहुंच ही नहीं रहा है, अब इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आपको एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, इस स्क्रीनशॉट में आप नीचे देख रहे होंगे इस तरीके का आपके गूगल एडसेंस में एक पॉपअप आ जाएगा और दिस फॉर्म पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। सिंपली आपको आपका नाम, जिस नाम से आपका गूगल एडसेंस अकाउंट है, और नीचे में कुछ डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी जो आपको वैलिड डिटेल्स वहां पर फिलअप कर देनी है। और फिर इसके बाद में आपसे आपका एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ मांगा जाएगा, आपको आपका एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ वहां पर सबमिट कर देना है। अब इससे क्या होगा कि आपका जो गूगल एडसेंस अकाउंट है वो विदाउट पिन आपके गवर्नमेंट आईडी प्रूफ से ही वेरीफाई हो जाएगा और आपको ये पिन वाला झंझट पूरा खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए जरूर से हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो एक लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और इस वीडियो को उन दोस्तों तक अपने जरूर शेयर करिएगा जो इस गूगल एडसेंस के मामले में फंसे हुए हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's